विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के आपातकालीन स्थिति में इंडियन रेलवे के कर्मचारियों अधिकारियों ने देश को अपना अतुलनीय सहयोग दिया है। आज हमें अपने आप को रेलवे कर्मचारी कहते हुए गर्व का बोध हो रहा है। लॉकडाउन पीरियड में सभी जोन के रेलवे कर्मचारियों ने सहर्ष अपने अपने वेतन से एक दिन का अंश प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाया है। मास्क, सैनिटाइजर, भूखों के लिए खाना बनाकर भी वितरित किया। स्टेशन स्टेशन पहुंचकर जरूरतमंदों को मदद की। उन्होंने बड़े बड़े स्टेशन पर पोस्टर बैनर्स लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग, यूज मास्क, स्टे होम स्टे सेफ, हैंड वॉश और सफाई का प्रचार प्रसार भी किया। ठप पड़ गई यातायात के साधनों में सब कुछ ठप कर दिया था। हमारे रेलवे के यात्री गाड़ियों की जगह मालगाड़ियों को निरंतरता से चलाकर रेलवे की आमदनी तो बढ़ाई ही, एक क्रांति सला दिया। खाद्यान्न, साग सब्जी, दवाई आदि इस राज्य से उस राज्य तक पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया। पार्सल विभाग और गुड्स के लोगों ने दिन रात एक करके मालगाड़ियों को लाल हरे झंडी दिखाकर आगे बढ़ाते हमारे RRI केबिन के यार्ड मास्टर ग्रुप ने भी अपना फर्ज निभाया। 80-85-100-100 बोगियों वाले मालगाड़ियों को हमारे जाबाज लोको पायलट्स एंड गार्ड्स भाइयों ने गंतव्य तक पहुंचाया। इन गाड़ियों के सुचारू रूप से चलते रहने के पीछे हमारे उच्चाधिकारियों का अदृश्य सहयोग, उनके बनाए स्केच, प्रोजेक्ट वर्क, उनकी देखरेख और सुपरविजन ने उनका ओहदा और बढ़ा दिया। सफाई कर्मचारियों से लेकर हमारे रेलवे परिवार, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, RPF जवान, सभी का यथासंभव योगदान है। और इसी संदर्भ में मेरी यह कविता उन योद्धाओं को समर्पित है जो अभी भी कोरोना से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। कविता प्रस्तुत है, हम रुके हैं तुम रुके हो, हम रुके हैं तुम रुके हो, पर वो नहीं रुके। ट्रेन्स रुकी हैं, प्लेन रुका है, बस, ट्रक, कार सब रुके हैं, जैसे जिंदगी रुक सी गई है, पर वो अनवरत चलते जा रहे हैं अपने कर्तव्य को अपनी धुरी मानकर। तीनों शिफ्ट का ड्यूटी करते पार्सल वाले लोड करवा रहे हैं माल पर माल, और इन सब का हिसाब किताब रख रहे हैं गुड्स के लाल। मालगाड़ियों में लादे माल हमारे ड्राइवर और गार्ड्स भाई RRI केबिन से उनकी मालगाड़ियों को हरी और लाल झंडियों का सिग्नल देते हमारे स्टेशन यार्ड मास्टर ग्रुप। ट्रैक्स को ठोक पीट कर टाइट लूज फिट करते हमारे ट्रैकमैन भाई, प्लेटफॉर्म से लेकर खड़ी रेलगाड़ियों को सैनिटाइज करते हुए हमारे सफाई कर्मचारी भाई, रात रात भर AC बोगियों को आइसोलेशन केबिन का रूप देते हमारे फीटर और फोरमैन भाई, भूखे प्यासों को अनाज का तोहफा इस राज्य से उस राज्य तक देना, साग सब्जी फल दवाई को रात दिन दिन रात एक करके ढोना, कड़े पहरों के बीच भी अपने मोहल्लों से जवाबदेही करते करते अपने कर्म स्थलों पर पहुंचना, योद्धाओं का ही काम है। हाँ, योद्धाओं का ही काम है। कहाँ कम है ये सीमा के किसी प्रहरी से, कहाँ कम है ये सीमा के किसी प्रहरी से, वो देश की रक्षा वहां से करते हैं, ये देशवासियों की सुरक्षा यहाँ से कर रहे हैं। सृष्टि के इस काल कोरोना ने लिया है रूप महाकाल का, फैलाया है जहर, ढाया है कहर, पर फिर भी स्थिर रहकर रेलवे कर्मचारियों ने दिया है साथ। राहत कोषाध्यक्ष में अपने पसीने की कमाई सहर्ष दान देकर पहनाया है मानवता का परिधान। मास्क, सैनिटाइजर, जाने कितनों के लिए खाना बनाकर घर घर जाकर खिलाया है सबने हर दिन। बिना मजबूत डोर के पतंगे नहीं उड़ा करती, बिना मजबूत डोर के पतंगे नहीं उड़ा करती। हाँ, हमारे उच्चाधिकारियों ने संभाला है बागडोर, दिया है हमारे ज्ञान अर्जन पर जोर, किया है सबको मोटिवेट, रात रात जाकर परिवहन का बनाया है फॉर्मेट, बढ़ाया है रेलवे का अर्थ, जाने नहीं दिया इन्होंने समय को व्यर्थ। तो वाकई हमें इनकी इन सब की खातिर दिया जलाना होगा, सचमुच हमें इनके खातिर ताली बजाना होगा। तो आओ हम सब मिलकर ये आह्वान करें, आओ आगे बढ़ो, हम सब मिलकर इन कोरोना योद्धाओं का हार्दिक सम्मान करें, आओ हम सब मिलकर इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें। धन्यवाद।